ये देखिए दोस्तों, जो मैंने भारत का मैप लिया हुआ है, ये मैप आप भी ज़रूर ख़रीद लीजिए, ज़रूर ख़रीद लीजिए। अगर आपके पास कोई मैप नहीं, मैं एक ही मैप रिकमेंड करूँगा, आप मैप लीजिए ऑक्सफोर्ड का, स्टूडेंट मैप, स्कूल मैप नहीं, स्टूडेंट मैप लेना है। तो देखिए, ये भारत में जो आपको पता है 29 राज्य हैं, जो नया राज्य तेलंगाना बना हुआ है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो 7 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, इनको पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ऊपर से आते हैं, सबसे ऊपर है चंडीगढ़, ये देखिए, फिर आएगा दिल्ली, उसके बाद आएगा दमन और दीव, फिर आएगा दादरा और नगर हवेली, आप देखिए मैप में, फिर आएगा पुदुचेरी। आपको पुदुचेरी 3 जगह दिखाई पड़ेंगे, तीनों पुदुचेरी एक ही हैं। एक आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ेगी जिसका नाम यनाम है, एक तमिलनाडु में जो पुदुचेरी, इसको कराईकल कहा जाता है, और एक पुदुचेरी माहे है, और इन तीनों की राजधानी पुदुचेरी ये है, कराईकल थोड़ा सा ऊपर। फिर हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो लक्षद्वीप दिखेगा आपको, और ये बगल में राइट हैंड पे अंडमान और निकोबार, ये 7 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं। अच्छा, और देखिएगा मैप में, और जो फैक्ट हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी इटानगर है, फिर आएगा ये असम, इसकी राजधानी दिसपुर है, फिर आएगा ये मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है, फिर मिज़ोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है, फिर नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, फिर ये मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, उसके बाद त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से जो बिल्कुल पतली सी लाइन गई है नॉर्थ ईस्ट को मिलाने वाली भारत की, इसको चिकन नेक कहा जाता है। ये चिकन नेक है, ध्यान रखिए कि चिकन नेक कहाँ है। इसकी चौड़ाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर है, जो मैंने गूगल मैप से देखा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े टॉप 4 राज्य हैं, सबसे पहले राजस्थान आप ये दिखेगा, फिर सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ। तो ये मैप के थोड़े थोड़े फैक्ट थे। और एक मैप देखिए, थोड़ा सा और एक चीज़ देखिएगा, जो कर्क रेखा रे ऑफ कैंसर है, वो भारत के 8 राज्यों से जाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, मैप देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखिए गुजरात, बहुत थोड़ा सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची के बिल्कुल मिड से जाता है ये। तो रांची एक ऐसी ही एकमात्र राजधानी है जहाँ से मिड से जाता है कर्क रेखा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है, आपको लेफ्ट से राइट सीरियल वाइज बताना है कौन कौन से राज्यों से जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो कर्क रेखा है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और हम थोड़ा सा एक और फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे का जो मैदान है, जिसको हम लोग इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेनिनसुला क्या होता है। तो ये जो पेनिनसुला पे आप आएंगे, तो जहाँ से समुद्र शुरुआत होता है, तो गोवा से लेकर के गुजरात से लेकर के जो गोवा तक का जो कोस्ट लाइन है, तट का जो तटीय मैदान है, उसको कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट। फिर गोवा से कर्नाटक तक आएंगे तो उसको कन्नड़ तट भी कहा जाता है। मैंगलोर तक, मैंगलोर कर्नाटक में ही है, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आएंगे तो उसको मालाबार तट कहा जाता है। बहुत बार एग्ज़ाम में आया ये जो हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान है इस तरह के। अब जब पूर्व में आएंगे, तो पूर्व में देखते हैं हम लोग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय मैदान हैं, गोदावरी डेल्टा तक, इसको हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है, और उत्कल तट के भी नाम से भी जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक का जो तटीय मैदान है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक, इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं।
कोरोमंडल तट भी कहते हैं। लक्षद्वीप के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो लक्षद्वीप है इसमें 36 द्वीप आते हैं और इसके जो अधिकांश द्वीप हैं वो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। आप इसमें से देखिएगा, आप गूगल मैप का यूज़ करिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। लक्षद्वीप को जूम करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। या तो कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा, बस आप देखने के लिए देख सकते हैं। और जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, सालसेट द्वीप है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था द्वीप आइलैंड के बारे में, जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। अच्छा, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है और सबसे कम लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की खास बात यह है, यहाँ पे प्रतिशत के मामले में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात हो रही, वो अंडमान निकोबार की। आप देख सकते हैं कितना लंबा बना हुआ है अंडमान निकोबार, और जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल लक्षद्वीप का बहुत छोटे छोटे बने हुए, बहुत छोटे छोटे से हैं, सब मिला दिया जाएगा तो तब भी बहुत छोटा बनता है। और अंडमान निकोबार के बारे में जब आएगा तो देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का जो सबसे ऊँचा शिखर है, पीक है, उसको सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई हाइट लगभग 732 मीटर की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 38 द्वीप ही बसे हुए हैं, बाकी सब तो डूब ही चुके हैं लगभग। सिर्फ 38 आइलैंड हैं जिसमें लोग जाते हैं। तो ये था बिल्कुल इंडिया का बेसिक मैप के बारे में। एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें थोड़ा सा और एडवांस होगा।